हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्रिंसेस टियारा। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स के थोड़े से सम मेजरमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 16 है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एक एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ, मैं जैसे मेन मेन सम्स आपको करवा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, और बाकी के सम्स आप बुक में से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हमें कन्वर्ट करना सीखना है किलोमीटर से मीटर में, या मीटर से किलोमीटर में, किलोग्राम से ग्राम में, या फिर ग्राम से किलोग्राम में, और इसी तरीके से लीटर से मिलीलीटर और मिलीलीटर से लीटर। इसके अलावा भी बहुत सारी, ये कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैं यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एक हेक्टोलीटर में कितने ml होंगे, सॉरी एक हेक्टोलीटर में कितने लीटर हैं, 100 लीटर हैं। एक डेकालीटर में कितने लीटर हैं, 10 लीटर हैं। एक लीटर में एक ही लीटर है, एक डेसीलीटर में इतना है, और एक सेंटीलीटर में इतना, और एक मिलीलीटर जो हम मोस्ट यूज़ करते हैं इसमें 1000, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, लेकिन इतना कन्फ्यूज़ होना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स होती है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले लेट मी रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो आवर पेज ऑन इंस्टा, एंड प्लीज़ एज वेल एज लाइक द FB पेज ऑल्सो। यू कैन पोस्ट योर फोटोज़ ऑन FB पेज विदाउट आई थिंक माई परमिशन, एंड यू कैन सेंड मी योर फोटोज़ टू इंस्टा सो दैट आई कैन पोस्ट योर पिक्स ऑन माई इंस्टा पेज। सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो आपका एक किलोग्राम होता है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4205 को ये ग्राम है, और इन्होंने कहा है कि इसको किलोग्राम एंड ग्राम में, क्योंकि पूरा पूरा तो किलोग्राम नहीं है, इसमें कुछ ग्राम भी बाकी बचेंगे, तो इसको कैसे करना है। तो देखिए सीधी सी बात है कि आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 जीरो नीचे है का मतलब हुआ कि 1 2 3 यहाँ के पीछे डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो जो डॉट से आगे वाला है वो आपका किलोग्राम है, और जो डॉट के पीछे वाला है वो आपका ग्राम है, यानी कि आप इसे लिखेंगे 4 kg 205 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सिंपल सा मेथड है, और इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसी तरीके से देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सेम ही आपको इसमें भी अप्लाई करना है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एज मीटर, और आपको दिया हुआ है 32 किलोमीटर 164 मीटर। तो अब देखिए जब छोटे डिजिट से हमें बड़ी डिजिट में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें क्या था कि आपको बड़ा अलग अलग बताना था आपको कि भाई किलोग्राम अलग बताना है, ग्राम अलग बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ वो कह रहा है मीटर ही बताना है, ये जितना भी आपको दिया हुआ है ये आपको मीटर में बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो आपको मीटर पता ही है भाई, हमें 164 तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही मीटर में, सिर्फ हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर है। तो जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का क्या फॉर्मूला होता है कि आप इसके पीछे 3 जीरो लगा दोगे। ये जीरो वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहो तो वहाँ देख लेना। तो 32 के पीछे 2 3 जीरो और लगे क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करा है किससे, 1000 से। भाई 32 × 1000 करोगे तो ये लग जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। और 164 हमें पहले से ही पता है तो प्लस कर देंगे। प्लस आपको पता है ना कि पीछे से ही लिखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 164 को यहाँ से लिख दो तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। जब भी प्लस माइनस करना है हमें तो हमेशा क्या करना है, लास्ट वाले से ही लिखना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आप कर दोगे इसको प्लस, तो 4 6 1 2 3 ये आपका क्या है, मीटर है, ठीक है। और जब इस टाइप के आप सम्स करोगे तो उसके पीछे यूनिट मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने इतना करके छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, या हो सकता है कोई टीचर आपको नंबर ही ना दे, आपको मीटर बताना है कि ये मीटर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में भी आप देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक सम दिया हुआ है, वो कह रहा है एक्सप्रेस एस ml, एक्सप्रेस एस ml में 95 लीटर है और 675 ml है। अब यहाँ पे फिर से देखिए ml आपको पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये वाला कन्वर्ट करना है, फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, 95 के आगे 1000, ठीक है, और ये वाला इसमें प्लस, तो 9 5 6 7 5, और ये क्या है हमारा ml, ठीक है। ये बाकी के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के आप खुद से सॉल्व कर लेना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या है आपका
कि आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, जैसे यहाँ पे हमने सीधे सीधे 1000 का किया था, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर भी आ गया, तो ये मैं आपको अलग से ही समझा दूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अभी आप फिलहाल यही वाला कर लेना, इसको पूरे को कर लेना, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप ये टेबल्स लर्न कर लोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसको मैं और सिंपलर वे में आपको करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वाला देख के कर लेना। टिल देन टेक केयर बच्चों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।